एक टिप्पर में लिफ्ट ली और कश्मीर की तरफ दोबारा से निकलने की कोशिश में था, और जो ही जो आगे बढ़ा और हमारी चेक पोस्ट वहां पर तैनात थी आर्मी और पुलिस के लोगों की, और इस चेक पोस्ट के ऊपर जब इसको देखा तो जो क्ल्यूज के मुताबिक जो इसके मुताबिक हमें मिले थे, इसका डीआर मिला था उसके मुताबिक हमें शक हुआ कि ये वही आदमी है जो यहाँ से आईडी ब्लास्ट करके निकल रहा है। उन क्ल्यूज की बुनियाद पर जब इसको पकड़ा गया और इसके पूछताछ की गई, उस पूछताछ में ये पाया गया कि असल में यही वो शख्स है जिसने वहाँ पर आईडी ब्लास्ट करके जो कानवाई को नुकसान पहुँचाने की जो कोशिश करी। इसमें पुलिस ने, आर्मी ने और बाकी फोर्सेस ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया है। 36 घंटे होने से पहले पहले इस आदमी को वहां से पकड़ लिया और इसकी पूछताछ में इसने मान लिया कि ये खुद ही उस वाकये में मुलव्वस है। इसका नाम ओवैस अमीन है। ये इसको जब पकड़ा गया तो इसके कुछ बर्न मार्क, इंजरी मार्क भी ब्लास्ट की वजह से इसकी बॉडी के ऊपर है। बाकी की चीजें जो हमारी तफ्तीश के हवाले से करनी बाकी हैं, फ्रेंसिक की रिपोर्ट, डॉक्टरी मुआयना, वो सारी चीजें अभी पुलिस थोड़ी देर तक करवाने के लिए जा रही है। हमारी एफएसएल की टीम, एक्सपर्ट्स और बाकी लोग, उनकी सर्विसेज भी हमने इसमें शामिल करी, और उनकी सर्विसेज के दौरान किस तरह का एक्सपोजर मटेरियल वहां पर इस्तेमाल हुआ, किस तरह का गाड़ी में ट्रिगर मैकेनिज्म था जिसकी वजह से ब्लास्ट किया गया, और बाकी जो चीजें अभी तफ्तीश के हवाले से करने वाली हैं जिसमें हमने मेडिकल बोर्ड की जरूरत है, बाकी चीजों को सोचने परखने देखने की जरूरत है, उसके लिए भी अभी इंतजाम हो गया है। ये मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ऑफिसर्स ग्राउंड की सतह के ऊपर और सीनियर लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, इनका जो अच्छा कोऑर्डिनेशन है विद द सिक्योरिटी फोर्सेज, विद द आर्मी, उसका नतीजा है कि ये बहुत बड़ा जो हादसा एक तो काफी हद तक वो टला, और उसके साथ साथ ये आदमी इस हादसे को अंजाम देने के बाद जो निकल रहा था वो भी पकड़ा गया। इसके पकड़े जाने के साथ हम समझते हैं कि और भी इसके जो पहलू हैं कि इसके वो सामने आएंगे और उसमें हमें पता चलेगा कि इसके पीछे कौन था, इसको करवाने वाला कौन था, तैयार करने वाला कौन था, गाड़ी की जो फैब्रिकेशन या आईडी जहां पर तैयार हुई वो कौन सी जगह है, उन सब चीजों के ऊपर काम जो है वो सब्सिक्वेंटली किया जाएगा। और मैं कंप्लीमेंट करता हूँ हमारे टीम जम्मू की, जिनके लीडर आईजी मनीष जी हैं, रेंज पुलिस जिसके लीडर हमारे भीम सिंह टूटी जी हैं, जिला पुलिस जिसके एसएसपी वहाँ अनीता जी हैं, और उसके अलावा बाकी जो फील्ड के ऑफिसर जिन्होंने काम किया, और जम्मू की जहाँ की जो स्पेशल हमारी एसओजी की जो टीम है जो हमेशा जो इस तरह का जब कोई कारनामा, कोई मिलिटेंट या बाकी कोई हादसा इस तरह का पेश आता है तो ये एकदम हर जगह पे तफ्तीश के साथ जुड़ते हैं और बाकी जो कार्रवाई होती है उसमें मदद करते हैं जिला पुलिस की। इन सब ने मिलकर के हर लेवल के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। अब आगे हमें उम्मीद है कि इस केस में और अच्छी लीड हमें मिलेगी। ये उसमें से कैसे निकल पाया तो मुझे लगता है कि ये एक हमारे लिए अच्छी बात है कि जो शायद जो ट्रिगर मैकेनिज्म था वो इतना परफेक्ट नहीं था, जिसकी वजह से एक माइनर ब्लास्ट तो गाड़ी के अंदर हुआ जिससे कुछ आग वगैरह गाड़ी में लगी और कुछ इस बच्चे को जिसने किया इसको खुद को भी थोड़ा बहुत इंजरीज आई, मगर जो सेकेंडरी ब्लास्ट जिसका था जिसमें गाड़ी में सिलेंडर दो रखे हुए थे, एक आईडी और थी जो फटी नहीं उसमें, बाकी जो फटने वाला साजो सामान जेलेटिन स्टिक्स अंदर पड़ी हुई थी, कैरोसिन सॉरी जो पेट्रोल का अंदर सामान पड़ा हुआ था, वो सब चीजें इस प्राइमरी ब्लास्ट के बाद सेकेंडरी ब्लास्ट जो इग्नाइट होने वाला था वो नहीं हो पाया, तो एक तो वो है। दूसरा आपका कहना था कि क्या ये फदाइन करने की नीयत से वहां पर आया था, तो इसका जवाब हाँ है, ये फदाइन करने की नीयत से ही उसमें आया था, मगर जब पहले वाले ब्लास्ट में ये बच निकला तो उसके दौरान लगता है कि इसका जो है वो कुछ और इसके पास साधन नहीं था, तो इसको लगा कि मैं अब बच निकलूंगा और बच सकता हूं, तो उसी वजह से ये गाड़ी से जंप किया और निकल पड़ा। सर बात सिंह जी, मेरा एक सवाल है आपके पास, मैंने पिछली बार भी ये रेज किया था, ये अभी तक की इतला के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़ा हुआ है। सर मैंने, मेरा एक क्वेश्चन है आपके साथ, ब्लास्ट होने के बाद इसको क्या, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसको आपको देखना चाहिए, ये कोई
ऐसा नहीं है कि हाईवे के ऊपर बाकी तरह की सारी मूवमेंट आज की तारीख में नहीं चल रही। पुलवामा की तरफ जब हुआ था तो पुलवामा वाली तरफ काफी एहतियात बरता गया था, मगर जो रोड की इस तरफ की साइड है, इस तरफ बहुत सारे चोकिंग पॉइंट्स हैं, ट्रैफिक जो है उसके ऊपर जो लोकल लेवल के ऊपर भी बीच में चलती रहती है, बहुत ज्यादा जगह नहीं है जहां पर जो सिविलियन ट्रैफिक उसको आप साइड पे कर सके या आइसोलेट कर सके, तो रोड की ग्राउंड की लिमिटेशंस हैं जिसके चलते इस तरह की जो है वो चीजों का जो है वो खच्चा रहता है। मगर हम लोग और एहतियात बरतने की इसमें कोशिश कर रहे हैं और हमारी तरफ से एक स्टडी ग्रुप हमने बनाया है जो अभी एक दो दिन के अंदर ही जाकर के मौके पे देखेगा, अपनी रिपोर्ट देगा कि सिक्योरिटी के मैकेनिज्म को और कितना मजबूत किया जा सकता है। अब मैं अंग्रेजी में यही वचन ये माइनर तो नहीं है जैसे वो मुझे नहीं लगता अभी इसको आपके थोड़ा बहुत सामने भी लाएंगे, मगर ये के बाद हमने पुलवामा जैसे कितने अटैक जो हैं वो रोके हैं। उसके बाद आपको याद है जिसमें डीएसपी अमन की शहादत हुई, डीएसपी अमन ठाकर की, उसके अंदर एक ऐसा फदाइन मारा गया था जिसकी वीडियो तक बन गई थी कि वो फदाइन अगला करने के लिए तैयार हुआ है। उसके बाद मुदस्सर जो खुद फुदाइंस का मास्टरमाइंड था दूसरे ऑपरेशन में वो मारा गया। आप लोगों को ये चीजें याद नहीं रहती, जो हो गया वो याद है, मगर जो बहुत ज्यादा चीजें रुक गई मैं तो वो पहले कह चुका हूँ कि उस तरह का कर रहा था, मगर इसके ट्रैगर मैकेनिज्म और बाकी चीजों में कुछ उस तरह का तालमेल नहीं था और जिसकी वजह से ये अच्छी बात है कि हमारा जो नुकसान हो सकता था नुकसान नहीं हुआ। अभी मैं यही क्वेश्चन आपको जरूरी है कि जहां तक मुमकिन हो एयर ट्रेवल जो है उसमें जो कॉन्वाइज आती है वो एयर ट्रेवल की फैसिलिटी अवेल करें। काफी हद तक वो फैसिलिटी रेल हो रही है, मगर जितनी फ्लाइट्स अवेलेबल हैं उनकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। जरूरी नहीं कि जितने लोग मूव करते हैं हर कोई उसके अंदर अकोमोडेट हो जाए, मगर इस वक्त एयर ट्रेवल की फैसिलिटी हमारे काफी लोग जो है एस एफ पर्सनल वो इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ आई एम स्विचिंग ओवर टू इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस। 30 मार्च 2019 at about 10:15 AM a centro vehicle loaded with explosives hit bus of CRPF at Tethar Banihal while the convoy was moving from Srinagar to Jammu. As a result, the CRPF bus suffered minor damage and the CRPF personnel traveling in the said bus had a narrow escape. Security forces reacted swiftly and the area was cordoned off. On minute search of the place of occurrence, different types of explosive and inflammable substance, including more than 50 gelatin sticks, urea, sulfur, ammonium nitrate, 2 bottles of petrol, 2 LPG cylinders were found strewn on the highway at the spot. In addition, 1 live fabricated ID was also recovered in a tiffin carrier. Immediately, the police team realized the gravity of the incident and sought expert advice and the services of experts. And therefore, FSL and sniffer dog squads from the army, CRPF were requisitioned and pressed into service. And extensive house-to-house search and search of the area was started. Number of mobile vehicle check posts were established on the highway at different places from Jwar Tunnel towards Ramban to nab the perpetrator of the attack, who had fled away from the spot after triggering the blast. Searches of 30 hours at Upper Gund Banihal, one person, namely Ovais Amin, son of Muhammad Amin Rathar, ROYL, Chatta Warren, Shopian, was apprehended by joint MVCP of Army and JNK Police, who was trying to sneak